आज लगातार दूसरे दिन भी संसद में दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर हंगामा हुआ, लेकिन सिर्फ हंगामा हुआ, दिल्ली हिंसा पर चर्चा नहीं हुई। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्षी दलों के हंगामे के बाद उसके बाद केंद्र सरकार दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार हुई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हम दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन ये चर्चा होली के बाद होगी, होली के बाद होगी। इस सरकार की यह खासियत रही है कि यह चर्चा, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवाल जवाब से बचती रही है। शायद इनकी संस्कृति में ये नहीं है कि इनसे सवाल किए जाएं, बल्कि इनकी संस्कृति में सिर्फ हुक्म की तामील करना, आदेश का पालन करना, पीछे से जो निर्देश आता है उसका पालन करना शामिल है। बेशक विपक्षी दलों की मांग थी कि इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की जाए। विपक्षी दलों ने आज भी नारे लगाए, तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया, जिस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्लैकार्ड्स और पोस्टर्स लाने की इजाजत सदन में नहीं दी जाएगी। ओम बिरला ने यह भी कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो पूरे सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर देंगे, यानी बिना विपक्ष के सरकार चलाना चाहते हैं। ये भी इनकी एक ख्वाहिश है, विपक्ष मंजूर ही नहीं है। सुनते हैं कहना क्या है विपक्षी दलों का दिल्ली की हिंसा के मुद्दे पर। आज दिल्ली में जो हो रहे हैं, मैं विषय की बात, आज भी लाश की कतार बढ़ रहे हैं। मैं अधिरंजन, तो ये विषय को उठाने का हमें अधिकार नहीं है सर, ये विषय उठाने का हमें अधिकार नहीं है। मैं आपको बताया, सारे दिल्ली जल रहे हैं, सारे देश की निगाह इस पर टिके हुए हैं। ये विषय को रखने का हमें मौका देने के लिए हम आपसे गुजारिश किए हैं। जो जज उनके खिलाफ ऑर्डर देगा, सरकार कह रही है हम उस जज का ही ट्रांसफर कर देंगे। सरकार कह रही है हम सदन में भी चर्चा नहीं कराएंगे, हम न्यायिक जांच भी नहीं कराएंगे, हम जेपीसी भी नहीं बनाएंगे, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ दंगा कराएगी ये सरकार। तो इसलिए अब इस सरकार का सच, इसका चेहरा पूरे देश के सामने आ रहा है। संसद के भीतर जिस तरह से ये नेता लोग चिल्लाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, ये बहुत ही मुअज्जज लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। जब ये चिल्लाते हैं तो पहले मुझे लगता था कि शायद इनके पास माइक्रोफोन नहीं है, इसलिए सीधा अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन जब मुझे मालूम चला कि हर एक के सामने एक माइक्रोफोन भी है, तो कम से कम शिष्टाचार की ही मांग है कि आप जरा आराम से बात करें, आवाज नीची रख के बात करें। ये हमारी सांसदों को सलाह है। हम आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल है मनीष छिब्बर से, जो मेरे आज के मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। दिल्ली में हुई हिंसा की पूरी दुनिया में चर्चा है, यहां होम मिनिस्टर खामोश हैं, प्रधानमंत्री ने 69 घंटे के बाद सिर्फ 2.5 लाइन का ट्वीट किया है, चर्चा तक करने में सरकार कतरा रही है, आखिर कारण क्या है आपकी निगाह में? कारण ये है जो मुझे लगता है कि इनकी शुरू से, अगर आप पिछले 6 साल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तो इस सरकार में ये सवाल ऑपोजिशन से पूछते हैं, खुद जवाब नहीं देते हैं। और कई लोगों का तो यहाँ तक मुझे लगता है कि ये मानना है कि अभी भी कांग्रेस इस देश को चला रही है, क्योंकि सवाल सारे राहुल गांधी से हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, इनको ये भी लगता है कि अगर हम कोई सवाल पूछे भी और हम उसका जवाब ना दें, तो थोड़े दिन में सवाल पूछना लोग बंद कर देंगे लोगों को, क्योंकि ये एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में जा रहे हैं। तो इसलिए इनको लगता है जब तक इतनी देर में, जब तक इनका सवाल का जवाब लोगों के मन में बैठेगा, तब तक नया क्राइसिस आ जाएगा। और यहाँ दिल्ली को अगर आप लेके चलिए, 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी एक ट्वीट के अलावा हमने कुछ सुना नहीं, कुछ ये नहीं देखा कि दिल्ली के, आप देखिए 700 सांसद दिल्ली के भाजपा के हैं, ठीक है, और अभी असेंबली इलेक्शन में ऑपोजिशन के नाम पर जो भी चुन के आया है भाजपा का आया है, आपने कहीं देखा? और ये भी सबने, सारी दुनिया ने देखा कि कपिल मिश्रा और बाकी उनका क्या रोल था, भड़काऊ भाषण दिए इन द रन अप टू द इलेक्शंस, क्या क्या किया। तो इनका जवाबदेही तो सरकार की, डेमोक्रेसी में जवाबदेही जो होती है वो सरकार की होती है, लेकिन यहाँ एक अजीब सी परिस्थिति है कि सरकार सवाल भी सुनना नहीं चाहती और जवाब तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहती है। जो ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए ये ठीक नहीं है। मतलब इसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेजनिंग इट आउट, कि एक तो स्टेज होती है कि जब शर्म आती है, फिर शर्म नहीं आती, वो बेशर्मी कहलाती है,
बेशर्मी की अगली स्टेज बेहयाई होती है, बेहयाई की अगली स्टेज ढीठ हो जाना हो जाता है कि आप पूछते रहिए सवाल, हम जवाब नहीं देंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ईरान के विदेश मंत्री हैं जावेद जरीफ। जावेद जरीफ ने 2 मार्च को दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में जावेद जरीफ ने कहा था कि ईरान दिल्ली में मुसलमानों के साथ हुई हिंसा की निंदा करता है। भारत और ईरान सदियों से दोस्त रहे हैं, इसलिए ईरान भारत से आग्रह करता है कि वो सभी नागरिकों का ख्याल रखे, सभी नागरिकों का, और किसी के साथ नाइंसाफी ना होने दे। जावेद जरीफ ने यह भी लिखा था कि शांति और कानून के तहत हुई बातचीत में ही आगे का रास्ता शामिल है, जो कि डेमोक्रेसी का तकाजा भी होता है। बातचीत, चर्चा, डंडा नहीं। सरकारें इकबाल से चलती हैं, डंडे के जोर से नहीं चलती। बहरहाल जावेद जरीफ के इस ट्वीट के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत अली चेगेनी को बुलाया। द हिंदू नाम के अखबार के मुताबिक अली चेगेनी से कहा गया कि दिल्ली में जो हुआ वो भारत का आंतरिक मामला है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा। अली चेगेनी से कहा गया कि दिल्ली हिंसा पर एक तरफा बयान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भारत को ईरान से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे मनीष, क्या दिल्ली में हुई हिंसा भी, कश्मीर में जो कुछ हुआ, हमारा आंतरिक मामला रह गया क्या वो? देखिए, ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है सारी दुनिया और हिंदुस्तान में तो कोई उनसे सवाल पूछे ना, और बाहर वाला भी कोई ना पूछे। अभी आप देखिए, कश्मीर में हमने सारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं सबको जेल में डाला हुआ है, लेकिन और हमारे दिल्ली के जो सांसद हैं, खासकर जो कश्मीर से जे एंड के से चुन के आए हुए हैं, गुलाम नबी आज़ाद जे एंड के को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, वो लोगों का वहाँ जाना मना है। वो एयरपोर्ट से वापस कर दिए जाते हैं, और जाते भी हैं तो कोर्ट से वो परमिशन लेके जाते हैं। लेकिन आप बाहर के मुल्कों से लोगों को ला के, डिप्लोमेट्स को ला के एक गाइडेड टूर जैसा करवा रहे हैं, ताकि आप जो आप दिखाना चाहते हैं, आंतरिक मामला नहीं बना रहे हैं, आप इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, नेशनलाइज। बिल्कुल वैसे दिल्ली की जो हिंसा है, क्या वो भी आंतरिक मामला? मैं आ रहा हूं उसी पे। देखिए, अब वो आंतरिक मामला कैसा रहा, कैसे रहा? देखिए, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, दिल्ली में जो हिंसा हुई वो मतलब खेदजनक है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब एक आप मेजोरिटेरियन की तरफ जा रहे हैं, आप दुनिया को ये सिग्नल दे रहे हैं, देश के अंदर रह रहे लोगों को सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ हम ही हैं और हम ही हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, तो ये दुनिया में अब ईरान तो उसकी हिस्ट्री है, वो तो मुसलमानों के काउज को लेके आपने देखा ही है उन्होंने क्या क्या किया है। तो आप अभी आप देखते रहिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस में जाएगा, वहाँ कोई रेजोल्यूशन पास होगा। और हम लोगों ने, क्योंकि हमारी सरकार जवाब नहीं दे रही है, जवाब दे ही तय नहीं कर रही है, क्योंकि एक अगर डेमोक्रेसी और एक अच्छी एग्जेक्टिव होती तो अभी तक कम से कम दिल्ली के एक दर्जन पुलिस अफसरों की नौकरी चली गई होती, कम से कम तबादले तो जरूर हो गए होते। हमने देखा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आप अपना दरवाजा खुद ही खोल रहे हैं और दूसरों को न्योता दे रहे हैं कि क्योंकि हम तो बोलेंगे नहीं, आप जो बोलना चाहें बोलें, और उसके बाद आप चाहते हैं कि वो चुप रहें। वो क्यों चुप रहें? वो ईरान को तो ये लगता है कि वो जो मुस्लिम लोग हैं उनका दुनिया में उसने बिला उठाया हुआ है, उसकी तो अपनी पॉलिटिक्स है ना, वो आपको आपके लिए कुछ करे ना करे वो तो अपने लिए करना चाहता है, क्योंकि इस समय ईरान और यूएस दोबारा ठनी हुई है। लेकिन ये एक बड़ा मुझे लगता है चिंता का विषय है, और केंद्र में बैठे हुए लोगों को ये समझना चाहिए कि आंखें मूंद लेने से जो कबूतर है वो ये सोचे कि बिल्ली मुझे देख नहीं रही है। अरे, बिल्ली ने तो आंखें खुली रखी हैं, आपने बंद की है जी। तो आंतरिक मामला कुछ भी नहीं है, दुनिया की जो बिल्ली है उसकी आंखें खुली हैं, वो आपकी तरफ देख रही है, आप बेशक शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव करते रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है मामला, इस एक्ट के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की है। यूएनएचआरसी ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ चल रहे केसेस की सुनवाई में उसे भी शामिल किया जाए।
इस मुद्दे पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बार फिर वही रटा रटाया जवाब दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दिल्ली की हिंसा कश्मीर के आर्टिकल 370 की तरह भारत का आंतरिक मामला है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी बाहरी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं बनता। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कानून के आधार पर चलता है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरी तरह से संवैधानिक है। सवाल यह है कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, क्या लीगल भी है, लेजिटिमेट भी है? इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। बहुत बड़ी परीक्षा है सुप्रीम कोर्ट के आगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे है मनीष, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, आप मेरी बात हो? मैं सुन रहा हूं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, क्या सरकार को उसे पहचानने में देर हो रही है या आइडियाज की और समझ की कमी है? इनके तर्क के मुताबिक क्या कोरोना वायरस को भी चीन का अंदरूनी मामला मानेंगे? अगर इस सरकार की चले तो ये बिल्कुल उसको चीन का आंतरिक मामला मानेंगे। और ये जैसा माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में, ऐसे कई लोग हैं जो इस बात का विश्वास करेंगे। देखिए, दिल्ली तक कोरोना पहुंच गया। नोएडा में दो स्कूल्स आपने बंद कर दिए हैं। दिल्ली के एक बड़े होटल में स्केयर है कि वो होटल को बंद करने की बात चल रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जब आप देखिए UNHRC की हिस्ट्री देखिए, भारत अब आप जो अभी तक नहीं हुआ था वो हो गया। क्या हुआ कि UNHRC जैसी एक, और वो कोई MNC नहीं है, कोई ऐसे एक्टिविस्ट नहीं है कि सडनली खड़ा हुआ और आके आ गया, वो यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है। वो आके सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाल रहा और कह रहा है कि आप मेरे को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अमाइकस के रूप में एक्सेप्ट करिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, इस विषय पे आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। आप देखिए कितना बड़ी बात है ये। जी, पार्टी, सस्ते में इसको हम पार्टी बनना चाहते हैं और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कि वो, और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कि हम कोर्ट की मदद करेंगे कि ये क्यों गलत है, कि जो भी वो कहेंगे। अब उन्होंने एडवांस नोटिस दिया आधे दिन तक, तो आधा दिन के आज शाम तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसी लोगों को यही मुगालते में रखा हुआ था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपके मन का वहम है। जबकि एक रूल है कि अगर ये करने से पहले जो परमानेंट मिशन है उसको इन लोगों ने बताया है, वहां एडवांस कॉपी दे दी उसकी। लेकिन अब वही है कि मैंने जो वही बिल्ली वाली बात दोबारा है, अब हम चाहते हैं कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन है, अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड ये होगा इट इज एन इंटरनल इशू। अभी इंटरनल इशू है, लेकिन वंस दैट इंटरनल इशू, हम लोगों ने कई तरह के कन्वेंशन साइन किए, सिग्नेटरीज हैं हम लोग उसमें। अगर कहीं पे उस सिग्नेचर उन कन्वेंशन का ब्रीच हो रहा है UNHRC, यूनाइटेड नेशंस या और तरह की 100 UN की बॉडीज हैं, दे आर वेल विद इन राइट्स के वो आके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाले या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन दें कि ये इस कन्वेंशन का ब्रीच कर रहे हैं। अब देखिए ये हर स्टेप पे मुझे जो लगता है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जो लगता है, जो थोड़ी बहुत मेरी समझ है, इस सरकार में ना काम कर लेते हैं और उसके जो रेपरकेशंस हैं उस पे कोई सोच नहीं होता है कि ये अगर हम ये काम करेंगे इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस क्या है। अब ग्लोबल वर्ल्ड में अब हर जगह, जैसे हिंदुस्तान में कई लोग हैं जिन्होंने ये मान लिया है कि नहीं ये ठीक है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई लोग हैं जो आप मतलब बात करिए आपके घरों में बैठे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनेशनली भी कई लोग हैं जिनको लगता होगा ये ठीक है, लेकिन ऐसी दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको लगता है ये गलत है और ये UN कन्वेंशन के खिलाफ है, ये एक सेटल्ड लॉ के खिलाफ है। आप उनको कैसे रोकेंगे? वो यहां नहीं बोलेंगे तो कहीं और बोलेंगे। जी, बहरहाल दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसका नोटिस पूरी दुनिया ने लिया है और ये कोई ऐसे इन आइसोलेशन नहीं हुई है कि दुनिया वाले बोलेंगे नहीं।